स्टार्ट कर रहा हूँ. सो वॉट वी आर गोइंग टू कवर टूडे. नंबर वन, ठीक है, सबसे पहले वी विल कवर, ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड द इकोनॉमी फ्रॉम यूपीएससी और सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू. देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमी वर्क्स, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. देन वी विल कंपेयर इंडियाज इकोनॉमी विजाविज यूएसए, चाइना एंड वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है. एंड देन वी विल अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी. And we will understand how money comes and from where money goes basically. हम ये कोशिश करेंगे समझने की. And we will all, if time permits, हम और देखेंगे economy की concept जो आपके बहुत important है. उसके बाद जब आप the Hindu वगैरह पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको easy लगने लगेंगी आज के session के बाद. ठीक है दोस्तों, let us start. ठीक है, so to begin with, हम सबसे पहले सोचेंगे, हम देखेंगे UPSC में what is the weightage of economy. अगर हम prelims paper की बात करते हैं, प्रीलिम्स में जो हमारा जीएस पेपर, उसमें पॉलिटी आता है, हिस्ट्री आता है, ठीक है, ज्योग्राफी आता है, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी आता है. एंड एवरी ईयर अगर हम देखते हैं ना, 100 में से ऑलमोस्ट 10-15 क्वेश्चंस इकोनॉमी के आते ही आते हैं, एवरी ईयर आते ही आते हैं. एंड इन द मेन एग्जामिनेशन इट इज ऑफ 250 मार्क्स. GS3 इज ऑफ 250 मार्क्स. ओके दिव्यानी, आज आपको इकोनॉमी समझ नहीं आता है, एक घंटे के बाद आप बोलोगे सर इकोनॉमी से इजी सब्जेक्ट कोई है ही नहीं है, ठीक है, विद इन वन आवर आप ये बोलने वाले हो. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है दोस्तों, इकोनॉमी की मैं डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, सबसे पहले बेसिक हम समझते हैं हाउ इकोनॉमी वर्क्स. इकोनॉमी का मतलब है जो भी चीज पैसों में कैलकुलेट होती है उसे हम इकोनॉमी में गिनते हैं. इट इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. अब प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स टू टाइप्स के होते हैं. वन इज गुड्स एंड सेकेंड इज सर्विसेज. वन इज गुड्स एंड सेकेंड इज सर्विसेज. गुड्स का मतलब क्या होता है? एनी एग्जाम्पल, गुड्स आर टैंजिबल. गुड्स को आप देख सकते हो एंड सर्विसेज को आप देख नहीं सकते हो. गुड्स कोई भी चीज आप ले लीजिए. गुड्स मतलब टेबल हो गया, फैन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, दीज आर गुड्स. सर्विसेज क्या हो गया? बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यू कैनॉट सी द सर्विस पोर्शन ऑफ इट, वो होता है सर्विसेज. ठीक है दोस्तों, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दुनिया में जो भी चीज होती है ना, जो भी बाई और सेल होती है, वो दो ही चीज होती है, या तो गुड्स या तो सर्विसेज, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं होती है. ठीक है, चलिए अभी इकोनॉमी काम कैसे करती है. इट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स हम देख सकते हैं एंड सर्विसेज को हम देख नहीं सकते हैं. ठीक है, नाउ आई वांट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. ठीक है, ध्यान से देखिए अगली स्लाइड. ठीक है, अभी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये कहां से आते हैं? ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में से आते हैं. एंड हाउ मेनी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर देयर? बेसिकली 3 सेक्टर्स. वन इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड इज सर्विस सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है दोस्तों? एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड माइनिंग. सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज. एंड सर्विस सेक्टर में क्या आता है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन एंड टूरिज्म. ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों इकोनॉमी समझने के लिए हमारे पास इंडिया में टोटल 100 रुपीज आते हैं, या इंडियन इकोनॉमी इज वर्थ 100 रुपीज और 100%. वो पैसे कहां से आते हैं? याद करो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, याद रखो. और कितने रुपीज आ रहे हैं? 100. ये 100 किस सेक्टर में से आ रहे हैं? नंबर वन प्राइमरी सेक्टर में से, नंबर टू सेकेंडरी में से, नंबर थ्री सर्विस सेक्टर में से. ओके, प्राइमरी सेक्टर में से क्या आएगा? गुड्स या सर्विस? फटाफट लिखो, प्राइमरी सेक्टर में से क्या आएगा? गुड्स या सर्विस? यस, फास्ट. गुड्स. ओके, गुड. ओके, सेकेंडरी सेक्टर में से क्या आएगा? गुड्स या सर्विस? फटाफट बताइए. सेकेंडरी सेक्टर में से बोथ नहीं आएगा दोस्तों, इट इज ओनली गुड्स आएगा. एंड सर्विस सेक्टर में क्या आएगा? गुड्स या सर्विसेज? सर्विस में से बताओ फटाफट. सर्विस में से क्या आएगा? गुड्स और सर्विसेज. यस कोमलप्रीत, वेरी राइट. यस हेट, ओनली सर्विसेज. ओके, तो यस हम आगे चलते हैं. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे सबका आंसर चाहिए, इंडियन इकोनॉमी या वर्ल्ड इकोनॉमी किसी में भी अगर पैसे आते हैं 100 रुपीज, कहां से आते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सर्विसेज, 3 सेक्टर में से आते हैं. 100 में से इन तीनों का टोटल 100 होना चाहिए. मुझे बताइए इंडियन इकोनॉमी में अगर 100 रुपीज आ रहे हैं, इन तीनों से आ रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर से कितने पैसे आ रहे हैं? फटाफट मुझे बताइए. 60. आदित्य, इतने से? ओवर 70% पॉपुलेशन रिजाइड्स इन नॉन अर्बन एरियाज. नम्रता बोल रही है 50, 70, 47, 50. प्रिया बोल रही है 50. दिव्या, मतलब 50% ऑफ इनकम हमारी कहां से आ रही है? एग्रीकल्चर से आ रही है. वेरी गुड, 47 टू बी वेरी प्रिसाइज. सचिन बोल रहे हैं 75. ठीक है, 70. ओके, 60. ओके, 60. चलिए दोस्तों ध्यान से सुनिए, एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 17
17% towards Indian economy. Ji haan dosto. So do not get surprised. It is only and only 17%. इंडिया में अगर 100 रुपए आ रहे हैं ना तो एग्रीकल्चर फिशरी एंड माइनिंग में से सिर्फ और सिर्फ 17% आ रहे हैं। हमें यही नहीं पता कि भारत में पैसा कहां से आ रहा है तो हम क्या इकोनॉमी पढ़ेंगे यारो। ठीक है, तो अभी आपको यहां रियलिटी पता लगेंगी, काफी सारी रियलिटीज पता लगेंगी। ठीक है, अरे यार पैसा सेकेंडरी सेक्टर में से आता है। व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर? ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने कपड़े पहने हुए, मेरा मोबाइल, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, आपके पास बाइक्स होंगी, एक्टिवा होंगी, घर में गाड़ी होगी, आप घर में रह रहे हो, फ्लाइट्स हैं, ट्रेन्स हैं, एवरीथिंग मैन्युफैक्चरिंग किसमें है? एवरीथिंग इज सेकेंडरी सेक्टर। मतलब हम सब कुछ यूज क्या करें पूरे दिन भर? हम सब कुछ सेकेंडरी सेक्टर यूज कर रहे हैं दोस्तों, सेकेंडरी सेक्टर। अब आप बताइए इंडियन इकोनॉमी में अगर 100 रुपीज आ रहे हैं तो सेकेंडरी सेक्टर में से कितना कंट्रीब्यूशन होगा? सोचो, कम ऑन, आंसर मी। यस यस यस, इतना कम? 50 यार, एवरीथिंग इज सेकेंडरी सेक्टर, आप समझो। ओके, 69 मोर देन 50, 75, 60, 80, हाँ दैट इज गुड। ओके, 75, चलो फेयर इनफ, ठीक है। 90, ओके, 92 नहीं हो सकता क्योंकि 17 इज ऑलरेडी हियर, इन तीनों का टोटल 100 आने वाला है। ठीक है, इट कैन नॉट बी 92, है ना, क्योंकि इन तीनों का टोटल विल बी 100 ओनली। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, टू योर सरप्राइज द आंसर इज 2929%। हाउ मच? 2929%। यस माय डियर फ्रेंड्स, सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 29% टुवर्ड्स इंडियाज इकोनॉमी। तो मुझे बताइए 29 प्लस 17 कितना हो गया है? यस, फटाफट 29 प्लस 17, यस इट इज 46। तो बचा कितना? टेरिशरी कितना बचा? 54। ठीक है, यस माय डियर फ्रेंड्स, तो सर्विस सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है? 54 एग्जैक्टली। सो इंडिया में पैसा कहां से आ रहा है? सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, ओनली 17% आ रहा है प्राइमरी सेक्टर से, और ऑलमोस्ट 30% आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, एंड टेरिशरी सेक्टर या जिसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर, वहां से कितना पैसा आ रहा है? इट इज 54%। इज इट क्लियर और नॉट? आगे से गलती मत करना, यूपीएससी में पहला इकोनॉमी में क्वेश्चन यही होगा कि पैसा किस सेक्टर में से आ रहा है, और आप वही गलत करेंगे तो यार आप क्या करेंगे, क्या इकोनॉमी पढ़ेंगे आप लोग? आई होप दिस विल हेल्प यू। ठीक है दोस्तों, अभी हम आगे चलते हैं। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आएगा ऐसे इस टाइप का, मेंस में क्वेश्चन आएगा एनालिसिस के ऊपर, मेंस में क्वेश्चन आएगा इज दिस कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी इज गुड, एवरेज और पुअर। क्या ये कंट्रीब्यूशन अच्छा है, ठीक है, एवरेज है या पुअर है, बेकार है? बताइए मुझे फटाफट, प्लीज कमेंट। ओके ओके, तीनों आ रहे हैं, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, मैं लॉ कुछ कर ही नहीं सकता हूं, आधे लोग बोल रहे हैं बैड है, आधे लोग बोल रहे हैं एवरेज है, और आधे लोग बोल रहे हैं कि गुड है। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, बिफोर वी प्रोसीड, ठीक है, एक दो से मैं क्वेश्चन बोलूंगा, हेत के और हेत श्रीकांत, हेत श्रीकांत एंड कोमलप्रीत। ठीक है, अभी आप मुझे बता दीजिए आपके 10th में कितने परसेंटेज आए थे, आप लोग झूठ भी लिख सकते हो, चिंता मत करो। ठीक है, फटाफट, कोमलप्रीत दिव्यानी आपके कितने अच्छे, 87, ओ माई गॉड। कोमलप्रीत थोड़ी मेरे जैसी है, ठीक है, मेरे भी कभी 60 से ऊपर मार्क्स आए नहीं अभी तक। ठीक है, चलिए दोस्तों, ओके, नाउ हेत के 89% आए हैं। हेत, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सभी मुझे आंसर देंगे इसका, इज 81% गुड, एवरेज और बैड? मुझे बताइए, इज 81% इन 10th गुड, एवरेज और बैड? ओके, कोई बोल रहा है एवरेज, कोई बोल रहा है गुड। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी चीज एवरेज या गुड कब होती है? व्हेन वी कंपेयर, और हम कंपेयर किससे करते हैं? टॉपर से। अगर टॉपर के 82% है तो हमारे बहुत गुड हैं, टॉपर के 95% और हमारे 80 हैं तो हमारे एवरेज मार्क्स हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो तभी इंडियन इकोनॉमी का जो ये बाइफर्केशन है, गुड है एवरेज है या बैड है, हम कब देख पाएंगे? व्हेन वी विल कंपेयर, और हम किससे कंपेयर करेंगे? वर्ल्ड की रिचेस्ट इकोनॉमी से, विच इज रिचेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, फटाफट लिखिए। यस, किससे कंपेयर करेंगे? एग्जैक्टली, यूएसए, यूएसए इज द रिचेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। नाउ वी विल कंपेयर इंडियाज इकोनॉमी विद यूएसए।
तो इंडिया में भी पैसे तीन जगह से आते हैं, हर एक इकोनॉमी में कंट्री में पैसे तीन जगह से आते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी और सर्विस सेक्टर। और कैसे आते हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, इंडिया का बाइफरकेशन हमने देख लिया, बट अभी हम किससे कंपेयर करेंगे? टॉपर से कंपेयर करेंगे, ठीक है, एकदम टॉपर से कंपेयर करेंगे, यूएसए। तो अभी हम सेम बाइफरकेशन करेंगे यूएसए का। यस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए में प्राइमरी सेक्टर से कितने पैसे आते हैं आउट ऑफ 100 अप्रोक्सीमेटली? फटाफट, 10, 9, इतना कम? यस आर्यन, गुड आंसर। यस 30, ओके 5, ओके 20, ओके नम्रता का 20, राहुल 40, कोमलप्रीत ओके, ठीक है, ओके ओके दोस्तों। तो टू योर सरप्राइज, यस विष्णु, वेरी नाइस आंसर। टू योर सरप्राइज, योर आंसर इज हाउ मच? 1% ओनली। आदित्य, यू आर वेरी नियर, वेरी नाइस, ठीक है। आंसर इज ओनली एंड ओनली 1%। इट इज नॉट टू लोड माई डियर फ्रेंड। यूएसए में विलेजेस नहीं है, यूएसए में खेत नहीं होते हैं, वहां पे जमीन है या खेती बाड़ी नहीं होती यार, वहां पे फूड्स एंड ग्रेन्स को इम्पोर्ट किया जाता है, ठीक है। इट इज, हाँ, ये जो परसेंटेज हर साल चेंज होती रहती है, प्लस माइनस 2-3 चेंज होती है। सो दिस इज एन एवरेज फिगर ऑफ लास्ट 3-4 ईयर्स, ठीक है दोस्तों। आई थिंक दिस इज एन आई ओपनर फॉर यू, आपको काफी अच्छी चीजें पता लग रही हैं, ठीक है। अरे यार, यूएसए में सारा पैसा कहां से आता है? सेकेंडरी सेक्टर से आता है यार। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, 25-25 फ्लोर की बिल्डिंग्स, इतने बड़े बड़े हाईवेज, न्यूक्लियर प्लांट्स, ये सब क्या है यूएसए का? इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, ये सब क्या है? ये सारा का सारा क्या है? ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ऑलमोस्ट 100% इन दोनों सेक्टर में से आता है, ऑलमोस्ट 100% इन दोनों सेक्टर में से आता है। तो अब मुझे बताइए कि सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यूएसए का 100 में से कितना कंट्रीब्यूट करता होगा? प्राइमरी तो निल है, 58 इतना कम नहीं है यार। हाईवेज वगैरह सब बहुत हाई है वहां पे। ओके, 50-60%। ओके ठीक है, ओके वेरी गुड, ठीक है। यस द आंसर इज ओनली एंड ओनली 20%, ठीक है। नई दिव्यानी, नई देवाशीष, ये 70 नहीं है, ये कितना है? इट इज 20%। एंड 20+1 कितना हो गया है? यस आदित्य, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर नियर, ठीक है। ये लास्ट में हम रिवाइज करेंगे, टेस्ट लेंगे, तब मैं देखता हूँ कौन कितना नियर है, तब हम देखते हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली सर्विस सेक्टर में कितना बचा? 79%। तो जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है यूएसए का, वो कहाँ से आ रहा है? सर्विस सेक्टर से आ रहा है। अरे यार, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। सर्विस सेक्टर से क्यों यूएसए का आ रहा है? बिकॉज हम लोग गूगल, गूगल देवता को मानते हैं। गूगल के बिना तो हमारी लाइफ चलती नहीं है, हमें कुछ भी करना, तो हम कहाँ पे जाते हैं? गूगल में जाते हैं। हम ये एक दूसरे की बातें सुन पा रहे हैं, आप लोग मेरा लेक्चर सुन पा रहे हो, किसके थ्रू? लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू। मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? क्या है वो? इट इज सर्विस। विंडोज क्या है? ये सर्विस है, ठीक है। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, आप लोग टिकटॉक तो देखते ही हो, ठीक है, वो सब क्या है? सर्विस सेक्टर है। सो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन, और जैसे ये गूगल वगैरह कहाँ से ऑपरेट होता है, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ पे है, सब कुछ कहाँ से हो रहा है, ठीक है, यूएसए से हो रहा है। तो यूएसए का मेन इनकम कहाँ है? अमेजोन में बैठे बैठे हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, लेकिन अमेजोन आईटी के थ्रू आपके मोबाइल पे आ रहा है, एंड आप अमेजोन में कुछ भी क्लिक कर रहे हो और आपके घर में डिलीवर हो रहा है। बेसिस क्या है? सर्विस सेक्टर। यस, अभी हम चाइना पे भी आएंगे दोस्तों, चाइना पे भी आएंगे, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन। अभी आप बोलोगे हमने कंपेयर खाली यूएसए से क्यों किया है? कंपैरिजन विद ओनली वन कंट्री इज नॉट गुड, ठीक है, हमें दूसरी कंट्री से भी कंपेयर करना है। हम किससे करेंगे? अभी हम चाइना से करेंगे, इंडी चीनी भाई भाई। अब इंडिया और चाइना का कंपैरिजन बहुत अच्छा रहेगा, क्यों? इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट, मतलब इंडिया बस चाइना, इंडिया में पॉपुलेशन में आगे खाली, उसमें भी 3-4 साल में हम उनको पीछे छोड़ने वाले हैं, ठीक है। खैर, ये खुशी की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ओके चलिए, हाँ ये एक्स्ट्रा कमेंट्स अभी मत कीजिए, दिव्यानी टिकटॉक डिलीट कर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छी बात है, ये सब हम बाद में बातें करेंगे, ठीक है। लेट मी कंटिन्यू विद द लेक्चर। ओके दोस्तों, इंडिया और चाइना की इकोनॉमी में काफी सारी सिमिलैरिटीज है, क्योंकि उनकी भी पॉपुलेशन ज्यादा है और हमारी भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो बाइफरकेशन कुछ इंडिया का जैसा होना चाहिए, ठीक है। चाइनीज में प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, आउट ऑफ 100 कितना है? फटाफट लिखिए, 40, 15, 30, गुड, ओके 15, 5-8, 30, ओके, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। अभी आपके गेस थोड़े से नीचे नीचे हो गए, पहले आप 70 से शुरू हो गए थे, अब धीरे धीरे आप लोग धीरे धीरे जमीन पे आ चुके हो, ठीक है। ओके चलिए, इतना कम भी नहीं है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आंसर क्या है दोस्तों। इट इज 10%। कितना है? इट इज
10% माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो चाइना, अब चाइना की सच्चाई क्या है? चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, आपको भी पता होगा। आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, ओप्पो के, वीवो के, एम आई के, रेडमी के जो मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, ये सब चाइनीज है। आपके घर में आधी चीजें जो है ना, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो सारी चाइनीज है। चाइना वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर से, सिर्फ और सिर्फ कहां से? सेकेंडरी सेक्टर से। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन चाइना का कहां से है? सेकेंडरी सेक्टर से है, और वो पूरे वर्ल्ड में सामान बेचता है, हाईएस्ट है वर्ल्ड में इसका। तो मुझे बताइए फटाफट, चाइना का कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? इतना कम नहीं है? यस, इट इज नियर बाय। ओके ओके ओके, चलिए अभी हम आंसर देखते हैं, ठीक है, फटाफट। द आंसर इज हाउ मच? 4545%। नहीं नहीं जी, इट इज 4545%। तो 45 + 10 हमारा कितना हो गया है? 55। कितना हो गया हमारा? 55 हो चुका है। और हमारा बचा कितना, ये बताओ कितना बचा फटाफट? 45%। ओके, टर्शियरी और सर्विस सेक्टर कितना हो गया हमारा? 45% हो गया है। तो ये हमारा एक बाइफर्केशन आ रहा है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव कंपेयर्ड फ्रेंड्स, वी हैव कंपेयर्ड इंडियन इकोनॉमी विद यूएसए एंड विद चाइनीज इकोनॉमी। बट आप बोलोगे सर, इंडियन इकोनॉमी की हमने कंपैरिजन वर्ल्ड की टॉप टू रिचेस्ट इकोनॉमी से की है, पर वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जैसे ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, फिर हम साउथ वेस्ट में चले जाते हैं, जापान हो गया, कोरिया हो गया, उनसे तो हमने कंपैरिजन किया ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल कंपैरिजन अगर हमें देखना है तो हम पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करेंगे। अब हम किससे कंपेयर करेंगे? पूरे वर्ल्ड से बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। एंड वर्ल्ड इकोनॉमी में, पूरे वर्ल्ड में पैसा कहां से आता है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। और कैसे आता है? कंसेप्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको याद रखना दोस्तों। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनका प्राइमरी सेक्टर इज 100%, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं यूएसए जैसे जिनका प्राइमरी सेक्टर इज ओनली 1%। काफी सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है, काफी सारे जो छोटे कंट्रीज हैं, ठीक है, वहां पे खाली खाली एग्रीकल्चर होता है। तो दैट इज व्हाई जो पूरे वर्ल्ड का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, ये घुमा फिरा के कितना हो जाता है? एवरेज हो जाता है, ऑलमोस्ट एवरेज होता है। इसलिए किसी कंट्री का यहाँ पे ज्यादा है, किसी कंट्री का यहाँ पे कम है, वरना पूरा वर्ल्ड बैलेंस, इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की बैलेंस कैसे होगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। पूरे वर्ल्ड में अगर 100 रुपए आते हैं तो मुझे बता दीजिए, ठीक है, मुझे बता दीजिए कि सेकेंडरी सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है, फटाफट लिखिए। वर्ल्ड इकोनॉमी में सेकेंडरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है आउट ऑफ 100, फटाफट फास्ट। गुड, अराउंड 30-35 होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, वेरी गुड, आंसर इज 31%। ऑलमोस्ट तीनों बराबर ही होने वाला है, क्यों? क्योंकि किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया, चाइना, यूएसए की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। सो आंसर क्या है? आंसर इज 31%, बाकी का भी ऐसा ही है। नाउ वी विल मूव ऑन टू प्राइमरी सेक्टर। फटाफट बता दीजिए प्राइमरी सेक्टर वर्ल्ड का कितना होगा, हाउ मच कंट्रीब्यूशन कितना होगा प्राइमरी सेक्टर में टुवर्ड्स वर्ल्ड इकोनॉमी? यस, 30 अप्रोक्सीमेटली 30। ओके चलिए, ओके आंसर देखते हैं, आंसर देखते हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड, कितना आंसर है? इट इज ओनली एंड ओनली 6%। कितना है दोस्तों? इट इज ओनली एंड ओनली 6% पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में। अब इतना क्यों है यार? वर्ल्ड का जो हाफ एरिया है, इट इज कवर्ड बाय वॉटर। तो कहां पे आप खेती बाड़ी करोगे, कहां पे आप ग्रेन्स वगैरह उगाओगे? नंबर टू, दिस सेक्टर इज डिपेंडेंट अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर्स। वॉट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स? एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब है नॉट मैन मेड, एक्सेप्ट फिशरीज, वेरी माइन्यूट परसेंटेज आ देती है, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब होता है कि विच आर नॉट मैन मेड फैक्टर्स, हमारे हाथ में नहीं है। जैसे रेनफॉल आ गई, एक्सीलेंट, बाढ़ आ जाती है, पता लगता है कभी सूखा पड़ जाता है तो सूखा ही पड़ता रहता है, ठीक है, कभी सुनामी आ जाती है, तो हमारे हाथ में है ही नहीं। हम जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी लाएं, जितने मर्जी ट्रैक्टर्स लाएं, जितनी मर्जी ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, पर ये सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमेशा कितना रहने वाला है? वेरी वेरी लेस रहने वाला है, ठीक है। ओके, नाउ दिस प्लस दिस कितना हो गया है? 37। तो सर्विस सेक्टर कितना बचा? 63%।
तो पूरे वर्ल्ड में अगर 100 रुपए आते हैं, ऑलमोस्ट 2/3 कहां से आ रहा है? सर्विस सेक्टर में से आ रहा है ऑलमोस्ट। ऐसा क्यों है अभी हम समझेंगे, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है आपको। ऐसा क्यों है अभी हम समझने वाले हैं, मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी प्रोडक्ट का नाम बता दीजिए, आप जो बताएंगे मैं उसका एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। यस, मैन्युफैक्चरिंग में सेकेंडरी सेक्टर में कोई भी प्रोडक्ट का नाम बोलिए, एनी प्रोडक्ट, फटाफट। सीमेंट और कुछ, मोबाइल, चलिए कोई बात नहीं। यस, चलो मोबाइल की हम बात करते हैं। ओके, फेयर इनफ, चलो हम मोबाइल की बात करते हैं। चलो दोस्तों मान लीजिए, ठीक है, मेरे पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है, ये मेरे पास एक मोबाइल फोन है, आई एम मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ध्यान से सुनना, मुझे आंसर चाहिए आपकी बात से, ठीक है। आई एम मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर। मोबाइल में क्या होता है, उसकी अपर बॉडी होती है, उसकी रैम होती है, उसकी हार्ड डिस्क होती है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। मान लो मैंने एक मोबाइल बनाया और मुझे वो मोबाइल पड़ा है मान लो 3000 रुपीज का। कितने का? 3000 रुपीज का। नाउ आई वॉन्ट टू सेल इट, ठीक है, आई वॉन्ट टू सेल इट। मान लो उसकी 4GB रैम है, 64GB मेमोरी है, ठीक है, और मैंने एक बना दिया और अच्छा है उसका सॉफ्टवेयर है, और मेरे को कितने का पड़ा वो? 3000 रुपीज का पड़ा। अब मुझे सेल करना है, मैं कितने में सेल कर पाऊंगा अप्रोक्सीमेटली बता दीजिए? 12000। ओके यार, 3000 का मैं 2000 में थोड़ी बेचूंगा। 5000, अरे 4GB रैम है यार और 64GB हार्ड डिस्क है, 1000 में कौन लेगा? मैं न्यू मोबाइल की बात कर रहा हूँ, सेकंड हैंड नहीं। ओके 10 to 15000, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यस ओके, अगर मैं उसके ऊपर आईफोन का लोगो लगा दूं तो, और वो आईफोन कंपनी हो गई तो, ठीक है, 70 to 80000। ओके वेरी गुड, 1 lakh, ठीक है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे यस और नो में बोलना, क्या मैं ये मोबाइल 1 crore या 1 crore का बेच सकता हूं? यस और नो? ठीक है, यूजली नो, ठीक है, वाई? ठीक है, जो यस बोल रहा है यार मुझसे खरीद लेना, मेरा अकाउंट नंबर देता हूं, मैं 1 crore डालता हूं, मुझे डाल देना, मैं भेज देता हूं, ठीक है। प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल है, 1 crore में नहीं लेंगे, ठीक है, हम नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। ओके वाई? बिकॉज अगर मैं इसका प्राइस बढ़ाता हूं 10-15000 से ऊपर, माई कॉम्पिटिटर्स विल कम और वो वाला मोबाइल आप ले लोगे, ठीक है, और उतना अफोर्डेबिलिटी भी होना चाहिए। तो मेरा जो प्रॉफिट हुआ है, मेरा जो प्रॉफिट होता है एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इट इज लिमिटेड। ये क्या है? लिमिटेड है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में मैं जो भी प्रॉफिट कमाऊंगा ना, ठीक है, दैट इज लिमिटेड फॉर 90% ऑफ द गुड्स। डायमंड भी, डायमंड लगाएंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, तो भी मैं उसको 1000 crore का बेच पाऊंगा, मैं डायमंड लगा दूंगा, पर 1000 crore का जाएगा वो? नहीं जाएगा। प्रॉफिट कितना रहेगा हमेशा? वो लिमिटेड रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों सर्विस सेक्टर में चलते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। अभी सर्विस सेक्टर में कोई एक प्रोडक्ट का हम एग्जांपल लेते हैं, हम बात करते हैं मान लीजिए व्हाट्सएप की। ऑलमोस्ट एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज यूजिंग व्हाट्सएप, ये आप मानते हो, हर कोई व्हाट्सएप यूज करता है, ठीक है। चलिए ओके, इंग्लिश में यार मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है, आई विल कम अगेन इन इंग्लिश, ठीक है, ओके, बिकॉज फ्लो टूट जाएगा अभी, ठीक है। हर कोई व्हाट्सएप यूज करता है। अच्छा मुझे बताइए, पूरे वर्ल्ड में व्हाट्सएप कितने लोग यूज करते हैं, कितने करोड़ यूज करते हैं लोग? यस, फटाफट लिखिए, हाउ मेनी यूजर्स आर देयर ऑफ व्हाट्सएप, प्लीज राइट डाउन अप्रोक्सीमेटली। अराउंड 4 billion, 90% इन करोड़, करोड़ में बताओ। ओके ओके गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। मैं बताता हूं, हम एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाते हैं, देर आर 200 crore, ठीक है, 200 crore पीपल आर यूजिंग व्हाट्सएप। दोस्तों क्या आपको पता है व्हाट्सएप इज ओन्ड बाय फेसबुक, इतना आपको पता है? नंबर वन। नंबर टू, व्हाट्सएप डेली, वन डे में, ओनली फ्रॉम वन डे, एक यूजर से सिर्फ 1 rupee कमाता है। कितने रुपए कमाता है? 1 rupee कमाता है। कितने दिन में? 1 दिन में। तो 10 डेज में व्हाट्सएप कितने कमाता है? 2000 crore। 100 डेज में कितने कमाता है? 20000 crore, ठीक है। आप देख रहे हो व्हाट्सएप कितने कमा रहा है, और वो 20000 crore का तो बना भी नहीं होगा, इट्स जस्ट अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ स्मॉल सॉफ्टवेयर एंड यू गाइस आर यूजिंग इट, ठीक है।
20,000 करोड़ व्हाट्सएप 100 डेज में कमा रहा है, तो प्रॉफिट क्या हुआ हमारा? अनलिमिटेड। आप समझे या नहीं? तो क्या आप अपने मोबाइल में डायमंड भी लगाओगे, क्या आप उसको 20,000 करोड़ में बेच पाओगे? कभी भी नहीं बेच पाओगे। आप समझे या नहीं? ठीक है, बट सर्विस सेक्टर में द प्रॉफिट पोटेंशियल इज अनलिमिटेड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज बनाया, आप लोग एक्सेल शीट यूज कर रहे हो, हर एक कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स सबसे अमीर क्यों इंसान बना? बिकॉज ही इज हैविंग अनलिमिटेड प्रॉफिट। उसने सॉफ्टवेयर बना दिया और वो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड का हर कोई इंसान यूज कर रहा है, ऑल द कंपनीज आर यूजिंग। ठीक है, फेसबुक एक दिन में एक यूजर से 6 रुपीज कमाता है। मैंने खुद फेसबुक का लास्ट में 1,00,000 रुपीज दिए थे एड्स के लिए। ठीक है, 6 रुपीज कमाता है एंड फेसबुक के यूजर भी मोर देन 200 करोड़ है एक दिन में। एक दिन में फेसबुक 1,000 करोड़ कमाता है एंड 100 डेज में 1,00,000 करोड़ कमाता है, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, सो दैट इज वाई सर्विस सेक्टर इज पोटेंशियल। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं दोस्तों। मेरा पहला क्वेश्चन मेंस वाला, इज दिस बाइफर्केशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ इंडिया, इट इज गुड, इट इज एवरेज और इट इज पुअर? फटाफट मुझे आंसर बताइए एज कंपेयर टू वर्ल्ड इकोनॉमी। यस, इट इज एवरेज। ओके, इफ यू कंपेयर विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, इट इज एक्चुअली अबव एवरेज एंड अबव गुड, बट इंडियन इकोनॉमी हैज अदर प्रॉब्लम्स लाइक ह्यूज पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके हिसाब से हमारे प्राइमरी सेक्टर में भी, यहाँ पे हमारे को प्राइमरी सेक्टर में भी फोकस करना पड़ेगा। लेकिन बट दोस्तों, अगर जब पैसा ही नहीं आएगा तो हम ये चीजें खरीदेंगे कहाँ से? और अगर आपके पास यहाँ पे 1,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके इनको तो ठीक खरीदोगे। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट मनी। अभी लॉकडाउन में सबसे बड़ी मारामारी किसकी हो रही है? किसी के पास जॉब्स ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। पैसा होगा तभी आप अच्छे से मोबाइल खरीदोगे ना, पैसा ही नहीं होगा तो आप कहाँ से खरीदोगे यार, है ना? पैसा नहीं होगा आप कहाँ से हर रोज डेली डेली पिज्जा खाओगे? हमारी पुरानी लाइफ तो चली गई लॉकडाउन में, अभी हम दाल रोटी पे आ गए चुपचाप अपने वापस से, दाल रोटी खा रहे हैं अभी, हम रोज सब्जियां खा रहे हैं। पिज्जा वीजा तो हमारा काफी कम हो चुका है, क्यों? बिकॉज हमारे अभी हमारी इनकम कम हो चुकी है, पैसा ही नहीं। और पैसा सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है इकोनॉमी में? सर्विस सेक्टर से पैसा आ रहा है। आप समझे या नहीं? सो दिस बाइफर्केशन इज एक्चुअली ऑन अ बेटर साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये है हमारा फाइनल बाइफर्केशन जो हमने समझा। इस चार्ट को याद कर लीजिए। आई विल आस्क यू 2 to 3 questions फॉर रिविजन पर्पज आफ्टर द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके हिसाब से आप अपने नोट्स बना लीजिए। आई कैनॉट शेयर माई पीपीटीज, दीज आर माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, हाँ एक काम करूंगा मैं, ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं लेक्चर यूट्यूब पर डाल दूंगा, आप यूट्यूब पे इस लेक्चर का रिपीट देख सकते हैं। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड एंड आई होप यू आर एक्चुअली नाउ गेटिंग द बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इकोनॉमी इज ऑल अबाउट। ठीक है दोस्तों, ओके, ये सीट मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, अपने क्वेश्चन अपने पास रखिए, मैं थोड़ी देर में क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, थोड़े से बेसिक्स में आपके और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलते आगे चलते, चलिए ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड माई फ्रेंड्स। ठीक है, ये अगर आपने समझ लिया ना, आपने समझ लिया कि इकोनॉमी में पैसा कहां से आता है। इकोनॉमी में पैसा कहां से आता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हर एक बिजनेस है, चाहे वो एक प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो एक पब्लिक सेक्टर सरकारी कंपनी हो। सरकारी कंपनी का नाम ले लो ONGC, वो भी बाइंग एंड सेलिंग करा है गुड्स एंड सर्विस की। बैंक्स ले लो, SBI ले लो, कोई भी ले लो, वो भी बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है। अल्टीमेटली वो लोग प्रॉफिट ही कमा रहे हैं। ठीक है, वो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस अगर अच्छा होता है तो बिजनेस को क्या होता है? प्रॉफिट होता है। बिजनेस में कौन काम करता है? बिजनेस में एम्प्लॉयज काम करते हैं। एम्प्लॉयज को क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। आपको सैलरी मिलती है तो सैलरी के बाद आप क्या करते हो? खर्चा करते हो, कंज्यूम करते हो। खर्चा करने से आपका क्या अच्छा होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। आपका एक बार स्टैंडर्ड लिविंग अच्छा हो जाता है, आप उसको क्या ट्राई करते हो? उसको मेंटेन करने का ट्राई करते हो। ठीक है, आप मेंटेन करते हो। मेंटेन करने के लिए आप क्या करोगे? डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस और करोगे, आप और प्रोडक्ट्स को डिमांड करोगे। एक बार आपको एसी की आदत लग गई है ना, वापस पंखे में जाना बहुत मुश्किल होता है। एक बार आप स्कूटी पे आ गए ना, गाड़ी पे आ गए, आप साइकिल पे वापस नहीं जाओगे। आप उसकी चीज की डिमांड और करोगे। डिमांड करोगे तो कंपनीज और क्या करेंगी? प्रोड्यूस करेंगी। कंपनीज प्रोड्यूस करेंगी तो अल्टीमेटली डिमांड की वजह से क्या होगा? उनकी सेल्स होगी। सेल्स होगा तो अल्टीमेटली उनका क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। दिस इज द एंटायर इकोनॉमी साइकिल, प्लीज रिमेंबर। और अगर कंपनीज को लॉस होता है लॉकडाउन की वजह से, बिजनेस को लॉस होता है,
क्या वो ज्यादा इंप्लॉयज हायर करेंगे? नहीं, वो क्या करेंगे, इंप्लॉयज की सैलरी कट करेंगे, इंप्लॉयज की सैलरी कट करेंगे, उनको निकालेंगे, सैलरी कट करेंगे, तो आपका खर्चा क्या हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा, पिज्जा से वापस आप घर के दाल रोटी पे आ गए हो, ठीक है, डाइटिंग पे भी आ गए हो, ठीक है, बहुत सारे लोग, ठीक है, आप आ चुके हो, अभी आपका कंजम्पशन कम होगा तो क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम हो जाएगा, ठीक है, अब आप उसको मेंटेन तो वैसे भी कर नहीं पाओगे, डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो कंपनीज प्रोड्यूस करेंगी, कंपनीज प्रोड्यूस नहीं करेंगी, प्रोड्यूस नहीं करेंगी तो कंपनीज की सेल्स क्या हो जाएंगी, डिक्लाइन हो जाएंगी, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, इकोनॉमिक साइकिल पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हमारी जीडीपी ग्रोथ क्या हो जाएगी, डोंट गेट अफ्रेड ऑफ जीडीपी, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज आपको समझाऊंगा व्हाट इज जीडीपी, ठीक है, बेसिकली देश की इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, इनकम कम हो जाएगी और फिर इकोनॉमी की साइकिल और इकोनॉमी की ग्रोथ ऐसे चलती रहेगी। एंड सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, बिजनेस पे डिपेंड करता है, और बिजनेस कहाँ, बिजनेस कैसे होता है, अगेन बेसिक फंडा पे जाओ, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड किस सेक्टर में से होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, यहां से होता है। ओके विष्णु, व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल अगेन रिकॉर्ड दिस लेक्चर इन प्योरली इंग्लिश मीडियम, ठीक है, थैंक यू फॉर योर सजेशन। ठीक है दोस्तों, क्या आपने ये फ्लो ऑफ मनी समझा या नहीं, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, राइट, येस और नो, इट इज क्लियर और नॉट, ये समझ नहीं आएगा तो आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। एक्सीलेंट, ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है, ओके, अभी हमने क्या सोचा कि पूरी की पूरी इकोनॉमी बिजनेस से चलती है, लेकिन बिजनेस के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कैपिटल चाहिए, हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। अब सबके पास तो कैपिटल है नहीं, बिजनेस तो बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए में होते हैं, तो कैपिटल कहां से आता है, लोन के थ्रू आता है, एंड लोन कहां से आता है, बैंक से आता है, तो बेसिकली इकोनॉमी का बेसिस क्या है, बैंक, ठीक है, लेकिन बैंक के पास पैसा कहां से आ रहा है, आप लोगों से आ रहा है यार, अगर आप लोग ही पैसे नहीं दोगे तो फिर बैंक्स आगे लोन कैसे देंगे, आप समझे या नहीं, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है इकोनॉमी का जो फैक्टर है ना, दैट इज यू गाइस, यू द पीपल, पीपल ऑफ इंडिया, एंड व्हाई आर यू डिपॉजिटिंग योर मनी इन द बैंक, बिकॉज यू हैव ट्रस्ट कि आज मैं 10,000 पैसे जमा कराऊंगा बैंक में तो मुझे वापस मिल जाएंगे, आपको ये ट्रस्ट है, ठीक है, जिस दिन आपका ये ट्रस्ट ब्रेक हो गया ना, ये ब्रीच हो गया ना दोस्तों, ठीक है, इफ दिस ट्रस्ट इज ब्रीच्ड और ये ब्रेक हो गया, आप बैंक्स में पैसे नहीं जमा कराओगे, बैंक्स लोन नहीं दे पाएगा, बिजनेसमैन को कैपिटल नहीं मिलेगा, बिजनेस फ्लरिश ही नहीं होगा, और बिजनेस फ्लरिश नहीं होगा तो बिजनेस में एम्प्लॉयज नहीं आएंगे, सैलरी नहीं मिलेगी, कंजम्पशन नहीं होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ेगा, मेंटेन नहीं करेंगे, डिमांड नहीं आएगी, अगेन वो इकोनॉमिक साइकिल पे घूम के आप वापस जाइए, आप समझे या नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लोग, आप लोग हैं, और आप लोग कहां पे जमा कर रहे हैं पैसे, बैंक्स में जमा कर रहे हैं, तो पिलर्स ऑफ जो इकोनॉमी है ना वो है बैंक्स एंड पीपल, ये दो पिलर्स हैं हमारे इकोनॉमी के, ठीक है, इनको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ओके, फटाफट आगे थोड़ा टेक्निकल में जाने वाला हूं, टेक्निकल जाने से पहले आपको मुझे दो तीन बेसिक क्लियर करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आपको जीडीपी जीएनपी समझ नहीं आने वाला है, ठीक है, एकदम बेसिक पे हम जाएंगे, ठीक है, एकदम बैंक का काम क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गिविंग लोन्स, बैंक्स में किस टाइप के डिपॉजिट होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, व्हाट इज आरडी, हर महीने 1,000 जमा करते हैं और एक साल के बाद निकाल लेते हैं, दो साल के बाद निकाल लेते हैं, ठीक है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिफरेंस क्या है, फटाफट बताइए, फास्ट, डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, फास्ट, ओके, करंट अकाउंट में देर इज नो इंटरेस्ट, ओके, गुड, फेयर इनफ, नो इंटरेस्ट, इट इज अ फीचर ऑफ करंट अकाउंट माय डियर फ्रेंड, ठीक है, यस, एक्सीलेंट, यस, नम्रता इज राइट, रवि इज राइट, ओके, करंट अकाउंट जो होता है वो यूजुअली बिजनेस के लिए होता है, एंड जो सेविंग अकाउंट होता है वो इंडिविजुअल नेम पे होता है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू अकाउंट्स, ठीक है, जो अकाउंट मेरा सेविंग्स है वो मेरे पर्सनल नाम पे है, सुमेश चहल, ठीक है, और जो मेरा बिजनेस अकाउंट है इट इज इन द नेम ऑफ चहल अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, अब मुकेश अंबानी जी का कोई अकाउंट होगा तो वो उनके नाम पे सेविंग अकाउंट होगा, बिजनेस अकाउंट किस पे होगा, करंट अकाउंट पे होगा, ठीक है, ओके, हाँ बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे समझा रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए योगेश, ठीक है, ओके, और एफडी क्या होता है, ठीक है, एफडी आप एक टाइम के बाद निकाल सकते हो, ठीक है, तो दीज आर द टू टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है, नंबर वन एंड नंबर टू, व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, ये दो टाइप के डिपॉजिट्स को क्या बोला जाता है, मुझे फटाफट लिख के बताइए, फास्ट,
Yes. ओके यस गुड एक्सीलेंट ओके चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। M0 M1 अभी टेक्निकल में नहीं जाएंगे अभी हम यार सुरेंद्र, हम सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, अगर आपने आज 10,000 रुपीज या 1,000 रुपीज सेविंग अकाउंट में जमा कराए हैं, कैन यू विड्रॉ फॉर फ्रॉम योर ATM, यस और नो? कैन यू विड्रॉ फ्रॉम योर ATM? यस ओके। अगर आपने FD जमा कराई है, मान लीजिए 10,000 FD जमा कराई है, कैन यू विड्रॉ फ्रॉम योर ATM? यस और नो? यस और नो? नो। एक्सीलेंट। चलिए, सो दीज टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, करंट एंड सेविंग अकाउंट, यू कैन विड्रॉ एज पर योर डिमांड, एज पर योर डिमांड। एंड दीज टाइप ऑफ डिपॉजिट्स FD यू कैन विड्रॉ आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, वन इज डिमांड डिपॉजिट्स एंड सेकेंड इज टाइम डिपॉजिट्स। आप ये समझे या नहीं? ठीक है, सो देर आर डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉन एनी टाइम, टाइम डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स विच कैन नॉट बी विड्रॉन एट एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, दोज कैन बी विड्रॉन विद इन 12 मंथ्स, ठीक है, उन्हें डिमांड बोलते हैं 12 मंथ्स, विच कैन बी विड्रॉन आफ्टर 12 मंथ्स, उनको 12 उनको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। टेक्निकली मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, ठीक है, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, समझ आएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। लेट अस अज्यूम आई एम अ बैंक, मैं एक बैंक हूँ, लेट अस से आई एम, लेट अस से HDFC बैंक, ठीक है। मैंने आप लोगों से क्या लिया है, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। मैंने 100 करोड़ आपसे ये लिए हैं और 100 करोड़ मैंने आपसे टाइम डिपॉजिट लिए हैं, मेरे पास आगे 200 करोड़, और मैं इसका क्या कर रहा हूं, मैं इसको लोन दे रहा हूं, ठीक है। आई एम अ बैंक, ठीक है, मैंने आप लोगों से पैसे लिए और मैंने इसको लोन दे दिया, ठीक है। नाउ फॉर अ बैंक विच टाइप ऑफ डिपॉजिट इज मोर इंपॉर्टेंट, एक बैंक के लिए कौन सा डिपॉजिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट? फटाफट आंसर, फटाफट। ओके ओके फेयर इनफ, फेयर इनफ। चलो आगे चलते हैं, माय सेशन इज अबाउट टू एंड दोस्तों, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है अभी, ठीक है। मेरा एक 8:15 पे अगला सेशन भी है, हाउ टू रीड द हिंदू पे, ठीक है। चलिए मैं आपको बोलता हूँ, चलिए अब आप मुझे बताइए, अगर आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो आपको बैंक में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट पे 0% एंड सेविंग अकाउंट में 4%, ठीक है। इन दोनों को हम एवरेज मान लेते हैं, एवरेज कितना मिलेगा, मान लेते हैं 2%, एवरेज इज 2%, ठीक है। एंड अगर आप लोगों ने एफडी एफडी जमा कराया है, टाइम डिपॉजिट एफडी है, एफडी के ऊपर मैं आपको कितना डिपॉजिट देने वाला हूं, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच डिपॉजिट यू विल गेट ऑन एफडी, अप्रोक्स, अप्रोक्स, यस 6 to 7%, ओके मान लेते हैं 7%, ठीक है, ओके। ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, एक पे हम मैंने आपको दिया 2% और एक पे दिया है 7%, ठीक है, ओके। मैं आपके पैसों का 100 एंड 100 करोड़ का लोन देता हूं, मैंने दिया मान लीजिए कार लोन, वहां से मैं मुझे क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ मच रेट ऑफ इंटरेस्ट आई विल चार्ज ऑन कार लोन, अप्रोक्सीमेटली बताइए, हाउ मच रेट ऑफ इंटरेस्ट, अप्रोक्स, एवरेज 10 to 12, मान लेते हैं 10%, ठीक है, यहां पे भी मान लेते हैं 10%, ठीक है, ओके फेयर इनफ, ठीक है, ओके। मेरे को मिले 10% और मैंने दिया कितना, 2%, और यहां पे 7%, बैंक को यहां पे प्रॉफिट कितना हो रहा है बताओ फटाफट, 8%, बैंक को यहां पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, 3%, ओके। बैंक को प्रॉफिट किसमें ज्यादा हो रहा है, डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, बोलो बोलो बोलो, डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट। अभी शुरू में तो आप बोले थे टाइम डिपॉजिट आर मोर इंपॉर्टेंट, विच टाइप ऑफ डिपॉजिट आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर अ बैंक, आप मुझे बताइए, ठीक है मुझे बताइए, हाँ ओके, हाँ एक्सीलेंट, यस यस सर, बट डिमांड डिपॉजिट आर नॉट फिक्स ना, यस आई एग्री, ठीक है। अब मैं आपका आंसर देता हूं, अब आप बोलोगे सर डिमांड डिपॉजिट कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, अरे यार 100 करोड़ लोगों ने मेरे यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट किया है, ठीक है, क्या 100 के 100 करोड़ लोग एक ही दिन में विड्रॉ कर लेंगे पैसे, और अगर विड्रॉ करेंगे क्या नए लोग पैसे जमा नहीं कराएंगे,
आप समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आधे लोग विड्रॉ करेंगे तो आधे लोग जमा भी तो करवाएंगे, तो क्या मेरा बैंक पूरा खाली हो जाएगा? ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, ओके, ठीक है, अभी मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। देर इज अ कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी, देर इज अ कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, बैंक के पास ज्यादा टाइम के पास कैश होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रॉफिट में जो हो रहा था ना ज्यादा, प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू विच डिपॉजिट आर मोर इंपॉर्टेंट? डिमांड डिपॉजिट आर मोर इंपॉर्टेंट। फ्रॉम लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पास ज्यादा टाइम के पास पैसा रहेगा, विच डिपॉजिट आर मोर इंपॉर्टेंट? टाइम डिपॉजिट आर मोर इंपॉर्टेंट, सो देर शुड बी एट आइडियल रेशियो ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स एज वेल एज टाइम डिपॉजिट्स, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम के लिए पैसा भी होना चाहिए और मुझे विज़ाविज़ मुझे प्रॉफिट भी देखना है। आई होप माय डियर फ्रेंड्स यू आर गेटिंग माय पॉइंट। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना? होपफुली। डाउट्स होंगे अपने पास रखना, मैं आऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, फटाफट अभी हम देखते हैं बैंक्स एंड एनबीएफसी में डिफरेंस। ठीक है, हाँ, अभी बिजनेस के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। कैपिटल कहां से आएगा? लोन से आएगा। लोन कौन देता है? एक तो बैंक देते हैं और एक कौन देता है? एनबीएफसी देता है। व्हाट इज एनबीएफसी? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। एनबीएफसी का कोई एग्जाम्पल बोलो, फटाफट बोलो एग्जाम्पल। एनबीएफसी एग्जाम्पल? यस यस, एनबीएफसी एग्जाम्पल यार, कम ऑन। बजाज फाइनेंस, एक्सीलेंट, बजाज अलायंस, एलआईसी, पोस्ट ऑफिस। यस, ओके, यस यस, ओके। सबसे फेमस मैं बोलता हूँ मुथूट फाइनेंस, प्रज्योत ने बोल दिया, वेरी गुड प्रज्योत। ठीक है, डीएफएचएल। ठीक है, ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी, हम समझते हैं अभी फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग लाइसेंस, बैंक के पास लाइसेंस होता है, एनबीएफसी के पास लाइसेंस नहीं होता है। ठीक है, बैंक्स आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, दीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट सबसे इंपॉर्टेंट, बैंक्स कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। मतलब एनबीएफसी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट नहीं एक्सेप्ट कर सकता है, इसको याद रखना। अगर आपका किसी एनबीएफसी में सारा फाइनेंस या किसी में करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट है ना, मतलब आपके पैसे बर्बाद हो गए, डूब गए, सारा फाइनेंस में इशू आया था। नाउ द ओनर, ठीक है, इज इन जेल एक्चुअली, और उनका केस चल रहा है सेबी के साथ। ठीक है, आई होप जो भी फेर जो भी अगर उन्होंने नहीं किए गलती, उनको जल्दी से, ठीक है, बाइज्जत बली कर दिया जाए, एंड दे आर एक्चुअली इन अ क्राइसिस। ठीक है, आप समझ लीजिए इस चीज को। ठीक है, ओके, बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय, बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। ठीक है, मुझे फटाफट बताइए कि एनबीएफसी को कौन रेगुलेट करता है? यस, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है दोस्तों। गवर्नमेंट, नाबार्ड नहीं करता है? नहीं, यस, एक्सीलेंट दीपक। एनबीएफसी को भी आरबीआई ही रेगुलेट करता है, बट दिस इज फुली रेगुलेटेड बाय आरबीआई, एनबीएफसी आर पार्शियली रेगुलेटेड बाय आरबीआई, पार्शियली। ठीक है, ओके, मैं आता हूँ डाउट्स के साथ, आता हूँ देवाशीष। ठीक है, ओके, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, ये क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए कोई बैंक अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देता है। यस बैंक ने अभी बीच में प्रॉब्लम हुई थी, यस बैंक ने बोला मैं बैंकरप्ट हूं और मेरे पास पैसे नहीं है। मैं समझाता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो बैंक्स में आपको अप टू 2 लाख रुपीज आपको वापस मिल जाएगा। ये लिमिट चेंज होती रहती है, लिमिट पहले 1 लाख थी, कभी 5 लाख होती, कभी 2 लाख होती, ये आप वेरीफाई कर लेना, डेटा एंड फैक्ट्स आप चेक कर लेना। ठीक है, उतने पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पैसे देगी। लेकिन अगर ये एनबीएफसी बोलता है मेरा दिवालिया निकल गया, आई एम अ बैंकरप्ट, मेरे पास पैसे नहीं है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन, आपको कोई पैसे वापस नहीं मिलने वाले हैं, आपके पैसे गायब, चंपत हो गए आपके पैसे। ठीक है, आप इस चीज को याद रखना। ठीक है, ओके, अब मुझे बताइए सेफ्टी ऑफ मनी ज्यादा कहाँ पे हो, सेफ्टी ऑफ मनी कहाँ पे होगी? बैंक्स में ज्यादा होगी, एनबीएफसी में ज्यादा होगी? ऑब्वियसली सेफ्टी हाई यहाँ पे होगी और एनबीएफसी में सेफ्टी क्या होगी, कंपेरेटिवली लो हो जाएगी। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स में ज्यादा हो गया, हाई होगा या लो होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स में कंपेरेटिवली लो होगा एंड एनबीएफसी में कंपेरेटिवली हाई होगा। ठीक है दोस्तों, इज इट क्लियर? क्या आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है?
ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपके बेसिक्स कवर हो रहे हैं, आपके बेसिक्स एक बार अच्छे हो गए ना, इकोनॉमी में कोई भी कंसेप्ट आ जाए, कोई भी फंडा आ जाए ना, यूपीएससी में, इकोनॉमी में, और इसके अलावा कुछ आपको ज्यादा क्या कहते हैं पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स के ऊपर सारा यूपीएससी सवाल पूछता है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों, ठीक है चलो आगे। यूट्यूब आई डाउट मेरे को टाइम लगेगा थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे ये चीज, ठीक है मैं डाल दूंगा, यूजुअली मैं अपने लेक्चर्स को डालता नहीं यूट्यूब पे, ठीक है बिकॉज थोड़ा सा कॉपीराइट इशू होता है, बट ठीक है मैं देख लेता हूँ, चलिए आगे चलते हैं। ओके सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जीडीपी वर्सेस जीएनपी, ठीक है व्हाट इज जीडीपी एंड व्हाट इज जीएनपी। अभी मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है इसलिए मैं क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, मैं आपको समझा लेता हूँ, ठीक है ये दोनों क्या होते हैं, मनी वैल्यू ऑफ, कहां से पैसा आ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है सारा खेल यहीं पे ही है, इनका क्या मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसे क्या बोलते हैं हम, ठीक है उसे क्या बोलते हैं, जीडीपी भी बोलते हैं और जीएनपी बोलते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है मैं आपको समझाता हूं, मैं एकदम समझाता हूं क्लियर में, ठीक है उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है मुझे आप समझाइए। टॉम क्रूज को आई होप सब जानते होंगे, टॉम क्रूज यूएसए का एक्टर है, ठीक है टॉम क्रूज इंडिया में आता है, ठीक है और बाहुबली 3 मूवी बनाता है, ठीक है और अच्छे खासे पैसे कमाता है, 100 करोड़ रुपए पैसे कमाता है, ठीक है टॉम क्रूज ने 100 करोड़ कमाए, अब ये जो पैसे हैं, ठीक है ये जो पैसे हैं ये जीडीपी में आएंगे या जीएनपी में आएंगे, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है कंसेप्ट पे मुझे फटाफट आंसर कीजिए। टॉम क्रूज हैज अर्न रुपीज 100 करोड़, ही केम टू इंडिया, ही शूटेड ए मूवी एंड ही अर्न रुपीज 100 करोड़, दैट मनी विल कम इन जीडीपी और जीएनपी। एक्सीलेंट, जीएनपी वेरी नाइस। ओके माय डियर फ्रेंड्स आई एम सॉरी आई एम अफ्रेड आप सभी गलत हो, ये जीडीपी में आएगा, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है तो इसीलिए कंसेप्ट इकोनॉमी के क्लियर होना बहुत अच्छे हैं, ठीक है दोस्तों चलिए। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इट कम्स अंडर जीडीपी। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी चीज गुड्स एंड सर्विस अगर इंडिया की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, चाहे वो टॉम क्रूज ने किया हो, चाहे वो स्टीव स्मिथ ने किया हो, डेविड वार्नर ने किया हो, एंजेलिना जोली ने किया हो, किसी ने भी किया हो, या चाहे वो हमारे डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों ना किया हो, लेकिन अगर इंडिया की बाउंड्री के अंदर उसने कमाया है ना पैसा, वो पैसा इंडिया की जीडीपी में आएगा, इसको याद रखना हमेशा। तो जीएनपी में क्या आएगा, जीएनपी का कंसेप्ट होता है सिटीजनशिप। क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, गुड्स एंड सर्विसेज या मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, यस आई एम कमिंग विद द डाउट्स, सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है इज नोन एज जीएनपी। इसमें हम क्या चेक करते हैं, बाउंड्री टेरिटरी चेक करते हैं, इसमें हम क्या चेक करते हैं, सिटीजनशिप चेक करते हैं। मैं अपने एग्जांपल पे फिर आता हूं, टॉम क्रूज इंडिया में आया, उसने 100 करोड़ रुपीस कमाए, ठीक है वो 100 करोड़ रुपीस वो लेके चला गया, ठीक है ओके कमाए कहां पे थे, इंडिया में कमाए थे, इंडिया के लिए वो पैसा जीडीपी में आएगा, यूएसए के लिए वो पैसा जीएनपी में आएगा। आई रिपीट मैं आपको बोलता हूं, ठीक है विराट कोहली वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है मुझे आंसर करना, विराट कोहली वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, ही वन मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड, मैन ऑफ द सीरीज में उसको 10 करोड़ रुपए मिले, ठीक है और वो आ गया वापस, ठीक है वो 10 करोड़ रुपया इंडिया के लिए क्या है, जीएनपी या जीडीपी। एक्सीलेंट, इसका मतलब आपको ये फंडा और कंसेप्ट समझ आ गया है, बिकॉज ही अर्न इन दैट कंट्री एंड उसमें कंसेप्ट क्या है, सिटीजनशिप। अच्छा वो 10 करोड़ रुपीज ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री के लिए क्या है, जीडीपी। व्हाई, बिकॉज वो उसकी बाउंड्री में प्रोड्यूस हुआ है। इज इट क्लियर और नॉट, यस और नो बोलिए, जीडीपी वर्सेस जीएनपी क्लियर हुआ नहीं हुआ, यस एग्जैक्टली एक्सीलेंट ओके चलिए। सो जीडीपी मेजर्स, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना दोस्तों,
GDP measures the total value of all the goods and services produced within the country. GNP measures, okay, all the goods and services produced by the nationals, citizenship of a country. Okay, geographical location se hota hai. GDP measures domestic production and this is citizenship of a country. Aapko pata lag gaya, okay? Goods and services by foreigners within the country and ye hota outside the country. Okay, it studies the strength of India's domestic economy. Okay, it studies contribution of all the citizens towards the country's economy. Okay, it depends upon geographical location. It depends upon citizenship. I hope ye aapko bahut acche se clear hai. Isse acha main clear nahi kar sakta hu. ठीक है दोस्तों, आई एम हैविंग ओनली 4 मिनट्स लेफ्ट, बहुत सारे कंसेप्ट बाकी हैं, मैं आगे चलूंगा यार. ठीक है, मुझे काफी सारा काम करवाना है. ठीक है, इससे पहले हम फटाफट रिवाइज करते हैं, फटाफट चलिए. हमने शुरू किया था पैसे कहाँ से आते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी. इंडिया का फटाफट कितना था, इंडिया का फटाफट लिखिए. प्राइमरी कितना था, 17%. ठीक है, सेकेंडरी कितना था, 29%. रिवाइज कीजिए फटाफट, ठीक है, बिना देखे. सर्विस कितना था, 54%. फटाफट लिखते जाइए, 54%. ठीक है, उसके बाद यूएसए कितना था प्राइमरी, 1%. चाइना प्राइमरी कितना था, 10%. ठीक है, वर्ल्ड का प्राइमरी कितना था, फटाफट बताइए. वर्ल्ड का प्राइमरी 6%. मैन्युफैक्चरिंग यूएसए कितना था, अप्रोक्सीमेटली 20%. ठीक है, चाइना कितना था, 45%. ठीक है, एंड वर्ल्ड कितना था, 31%. ठीक है, ओके, माउस से मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ. ठीक है, ओके, सर्विस सेक्टर पे हम चलते हैं. सर्विस सेक्टर में यूएसए कितना था, ऑलमोस्ट 79%. ठीक है, ओके, एंड चाइना कितना था, फटाफट बताइए. चाइना सर्विस सेक्टर फटाफट रिवाइज कीजिए, 45%. एंड वर्ल्ड कितना था, 63%. एक्सीलेंट, फटाफट रिवाइज करते हैं, हम आगे चलते हैं. ओके, अब हम आगे चलेंगे फ्लो ऑफ मनी. फटाफट पैसे कहाँ से आते हैं, याद करिए, बिजनेस से आते हैं. बिजनेस में कौन काम करता है, एम्प्लॉयज काम करते हैं. एम्प्लॉयज को क्या मिलता है, फटाफट लिखिए, सैलरी मिलती है. सैलरी, ठीक है, सैलरी मिलती है. वो सैलरी से लोग क्या करते हैं, खर्चा करते हैं. खर्चे को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन बोलते हैं. ठीक है, कंजम्पशन, उससे हमारा क्या बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, उसको हम क्या करते हैं, कोशिश, उसको हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, याद करो, डिमांड करते हैं. ठीक है, डिमांड के लिए फिर आगे क्या होता है, डिमांड के लिए हम क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं. प्रोडक्शन से कंपनी का क्या बढ़ता है, सेल्स बढ़ती है. सेल्स से फिर कंपनी का क्या बढ़ता है, प्रॉफिट या लॉस बढ़ता है. ठीक है, एक्सीलेंट, जिस हिसाब से आंसर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है. ओके, इकोनॉमी किस पे डिपेंड होती है, हमने देखा बिजनेस, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा. क्या चाहिए, कैपिटल. और कैपिटल कहां से आता है, लोन. ठीक है, लोन कौन देता है, बैंक्स या फिर NBFCs. बैंक्स या फिर NBFCs. लेकिन बैंक्स में पैसा कौन जमा करता है, आप लोग, पीपल, यू गाइस. ठीक है, तो ये है इकोनॉमी डिपेंड किस पे करती है. आई होप दोस्तों कि आप लोगों का ये एकदम बेसिक फंडा क्लियर हो चुका है. ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन कि अगर आपको कोई गाइडेंस मिलती है, तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस मिलती है तो यू कैन क्लियर UPSC इन द फर्स्ट टाइम. अगर आपको गाइडेंस नहीं मिलती है तो आप लगे रहो और आप छठे टाइम में करो, तो मैं चाहता हूं कि ये स्माइल वाला चेहरा आपको दिखता रहे और ये चेहरा आप बिल्कुल भी मेरे सामने लेके नहीं आएंगे. ठीक है दोस्तों, मैं चाहूंगा कि, ठीक है, आप लोग इसी एंथुजियास्टिक बन के, इसी एंथुजियाज्म के साथ अपनी तैयारी करते रहेंगे. एंड आई होप कि आपको ये सेशन समझ आया. इसके बाद जो भी सेशन लेना होगा मैं देखूंगा. एंड मैं हर बार बोलता हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे देखना चाहता हूँ. ये है IAS ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पे आप लोग फटाफट पहुँच के, जब भी आप पहुँचोगे, मुझे आप फोटो खींच के भेजने वाले हो, चेल एकेडमी को टैग करने वाले हो. दोस्तों, अगर आपके अभी कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट है, प्लीज आस्क. ये डॉक्टर मोहित का नंबर है, पहले मेरे पास होता था, अभी डॉक्टर मोहित के पास ये नंबर है. ही विल बी सॉल्विंग ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर डाउट्स. ये व्हाट्सअप नंबर है, किसी को डाउट है, आपको और अगर जानना है, हमारी ब्रांच में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप डॉक्टर मोहित के पास जाइए, ये नंबर पे आप व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछ सकते हैं एंड ही विल एबल टू क्लियर योर डाउट्स. ठीक है, तो दोस्तों अब बताइए, क्या इकोनॉमी टफ है. ठीक है, ठीक है, क्या इकोनॉमी सच में टफ है. ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है दोस्तों, इट इज वेरी सिंपल यार. यूपीएससी में इकोनॉमी बिल्कुल सिंपल है. आप चाहे साइंस बैकग्राउंड को, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, डरने की जरूरत नहीं है. आप सोचो कि मनमोहन सिंह जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और पहले प्रधानमंत्री, ऐसे सोचते थे इकोनॉमी को.
इकोनॉमी कुछ भी नहीं है, अपने आप को रखी है। आज के बाद आप जब टर्म्स देखोगे, जीडीपी देखोगे द हिंदू में या कोई भी टर्म्स देखोगे, आई होप आप उसको क्या कहते हैं सिंपल कर पाएंगे। मैथमेटिक्स पे सेशन ठीक है दोस्तों, आई एम प्लानिंग मोर सच सेशंस ऑन क्या कहते हैं, आई एम प्लानिंग मोर सच सेशंस ऑन द हिंदू, हाउ टू मेक नोट्स। मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे थोड़ा शेड्यूल मेरा टाइट है दोस्तों। माई नेक्स्ट सेशन इज ऑन द हिंदू, बट इट इज ओनली फॉर इंटरनल स्टूडेंट्स ऑफ चहल अकेडमी। ठीक है दोस्तों, अभी मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, ठीक है। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। इकोनॉमी पढ़ते रहिए, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। जीडीपी ग्रोथ कम हो रहा है तो सोचिए क्यों कम हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ अच्छा हो रहा है क्यों हो रहा है। बेसिक फंडा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहां से सारा पैसा आता है, ठीक है। अगला लेक्चर अभी हम देंगे, अभी मैं देख लेता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता दोस्तों ज्यादा लेक्चर्स लेने का, पर जो भी फैकल्टीज हमारे यहाँ पे, आई ट्रेन देम बेसिकली एंड मैं उनको ट्रेन करता हूँ ताकि दे कैन डिलीवर द लेक्चर्स इन मैक्सिमम पॉसिबल वेज। मैं आपसे मिलता रहूंगा, मैं बीच बीच में आता रहूंगा। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, मेरा अगला सेशन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। आई हैव टू गो एज सून एज पॉसिबल। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए कोरोना के टाइम पे, अपने आप को सेफ डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और जहां भी जाइए मास्क पहन के घूमिए। मैंने मास्क नहीं पहना क्योंकि मैं ऑनलाइन हूँ, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।